नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु सिंह, खिद्रपुर कॉलेज की प्राध्यापिका, आज अपने विद्यार्थियों के लिए सीबीसीएस सिस्टम क्या है, इसमें आपको किस तरह पढ़ना है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, इस तरह के जो विभिन्न प्रकार की उनकी समस्याएं हैं उन पर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के अंतर्गत CBCS सिस्टम जो कि 2018 में शुरू हुआ है, उसके नियम और उसकी पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला वीडियो है। यदि कोई चाहे तो दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी भी इसे लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन मेरा केंद्रीय विषय अपने खिद्रपुर कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। जब कोई विद्यार्थी उच्च माध्यमिक या 12 पास करके नए सिस्टम के अंतर्गत एडमिशन लेता है तो उसके सामने कई तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन के समय उसे अपने नंबर या अपनी प्रतिभा के हिसाब से ऑनर्स या जनरल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। ऑनर्स और जनरल सब्जेक्ट चुनने की जो पुरानी प्रक्रिया थी, पुराना 1+1+1 का सिस्टम, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब 2018 के बाद जितने भी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में एडमिशन ले रहे हैं वो सभी इस नए सिस्टम के अंतर्गत ही आएंगे। आइए हम समझते हैं कि उसके अंतर्गत एडमिशन लेने के बाद विद्यार्थियों को किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हर सेमेस्टर के फॉर्म फिलअप करते समय उन्हें समस्या न हो। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो CBCS सिस्टम है उसका फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस सिस्टम में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो ये कि यहाँ एडमिशन आपके स्टूडेंट अपने हिसाब से चॉइस कर सकता है कोर्स। सबसे पहले वो अपना स्ट्रीम चॉइस करता है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। उसके बाद वह कोर्सेस को, ऑनर्स कोर्स लेना है, जनरल लेना है, ऑनर्स में भी क्या लेना है और जनरल में भी क्या लेना है, वो सारी चीजें वो चुनता है। इस सिस्टम में चुनने की ज्यादा आजादी है। इसकी दूसरी विशेषता जो दो भागों में है वो ये है कि क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत आपको जो डिग्री या डिप्लोमा या पॉइंट्स सर्टिफिकेट मिलेंगे वो क्रेडिट पॉइंट्स के आधार पर मिलेंगे और आपको अंततः ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहां फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरे का ही बी पॉइंट है कि ये एक ऐसा यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम होगा जो किसी भी विद्यार्थी के पूरे जो उस प्रोग्राम के अंतर्गत उसकी उपलब्धि है, उसका परफॉर्मेंस है, उसको स्पष्ट करेगा। आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझ लें जो कि सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। एकेडमिक ईयर का अर्थ होता है, पहले 1+1+1 का सिस्टम था जिसमें एक एक साल का एक पार्ट वन, फिर पार्ट टू, फिर पार्ट थ्री होता था। अभी एकेडमिक ईयर का तो अर्थ वही है, 12 महीने जो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। एकेडमिक ईयर को 2 भागों में बांटा गया है, 6 महीने 6 महीने। पहला सेमेस्टर यानी ऑड सेमेस्टर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है और इवन सेमेस्टर 1 जनवरी से 30 जून तक। सेमेस्टर क्या है समझ लें, 6 महीने के कोर्स को एक सेमेस्टर कहा जाता है। हर सेमेस्टर में नियमतः 15 से 18 वीक का एकेडमिक काम होता है और कम से कम 90 एक्चुअल टीचिंग डेज, वास्तविक शिक्षण दिवस होने चाहिए। और प्रत्येक ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जुलाई टू दिसंबर में और इवन सेमेस्टर जनवरी टू जून, इवन में सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर। प्रोग्राम का अर्थ है आप किस प्रोग्राम यानी आप किस डिग्री में हैं, बीए, बीकॉम या बीएससी या कोई दूसरा डिप्लोमा कोर्स। क्रेडिट जो है हर पेपर के साथ, हर कोर्स के हर पेपर के साथ उसको कुछ, उसके कुछ क्रेडिट होते हैं जो बाद में अंततः रिजल्ट को बनाते हैं आपके। आमतौर पे एक क्रेडिट के लिए 1 घंटे की क्लास नियत होनी चाहिए प्रत्येक सप्ताह। तो जो 100 नंबर का पेपर है उसमें अधिकांशतः आप देखेंगे कि 6 क्रेडिट है, अर्थात सप्ताह में उनके लिए 6 क्लासेस होनी चाहिए। कुछ ऐसे पेपर भी हैं जिनके लिए सिर्फ 2 क्रेडिट ही दिए गए हैं।
पांचवा है ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट जो है ये एक न्यूमेरिकल वेटेज है जो कि 10 के स्केल पे आपको नंबर दिया जाता है और आपने कितना पाया है वो अंततः निर्धारित होता है। नया जो सिस्टम आया सीबीसीएस का, उसमें उसका नेशनल ऑब्जेक्टिव था इक्विटी, एफिशिएंसी एंड एक्सेलेंस, सबके लिए बराबरी हो, स्टूडेंट जो है ज्यादा प्रवीण हो सके, एक्सेलेंस यानी अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छी तरह कर पाए, यानी शिक्षा जो हायर एजुकेशन ज्यादा एक्सेलेंस हो उसके लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। वेस्ट बंगाल के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 4 E's की बात की है, एक्सपेंशन यानी अधिक से अधिक लोगों तक हायर एजुकेशन पहुंच सके, उच्च शिक्षा पहुंच सके, इक्वलिटी सबको बराबर का मौका मिल सके विद्यार्थियों को, एक्सेलेंस विद्यार्थी अधिक अच्छा से अच्छा कर सके, इम्प्लॉयबिलिटी, तीसरा ई जो है वो है आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए रोजगार पैदा कर सके। सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत हर कॉलेज जो है यूजी लेवल के लिए 3 साल का कोर्स ऑफर करता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, 2 लेवल है ऑनर्स लेवल और जनरल लेवल। हर प्रोग्राम में कई तरह के कोर्सेस होते हैं, उस कोर्स को आगे हम समझेंगे। कोर्सेस क्या हैं? 3 तरह के कोर्स हैं साफ साफ, जिसे हम लोग जीई, सीई, डीएससी, एसईसी कहते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है, आप स्पष्ट समझ लें। सीसी पहला है कोर कोर्स, जो मुख्य कोर्स है, ऑनर्स के विद्यार्थी का जो पेपर होता है जिस विषय में है वो उसका कोर कोर्स हुआ। जनरल के विद्यार्थी का 2 कोर कोर्स होता है और 1 GE होता है। तो पहला है कोर कोर्स, उसके बाद है इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत 2 कोर्सेस हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स जिसको डीएससी कहा जाता है और जेनरिक इलेक्टिव कोर्स जिसे जीई कहा जाता है। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स तीसरा है जिसके अंतर्गत 2 कोर्सेस हैं, एक एईसीसी कोर्स जिसको एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स कहते हैं और दूसरा है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जिसको एसईसी कहते हैं। आगे चलकर आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि 3 तरह के कोर्सेज इसमें हैं, कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एक बार इसको फिर से समझ लें कि बीए के विद्यार्थी को 14 पेपर कोर कोर्स के पढ़ने होते हैं जबकि ऑनर्स के होते हैं। इसके अलावा जीई के 4 पेपर ऑनर्स को पढ़ने पड़ते हैं और सिर्फ 2 पेपर ऑनर्स जनरल को पढ़ने होते हैं। बीएससी का पेपर 4 ऑनर्स के लिए और 4 जनरल के लिए। एईसीसी सबको 2-2 पेपर पढ़ना होता है। एससीसी का 2 पेपर ऑनर्स को पढ़ना होता है लेकिन जनरल वालों को 4 पेपर एसएससी के पढ़ने होते हैं। इसके बाद आगे मैं उनके प्रत्येक सेमेस्टर के हिसाब से कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। इस तरह से ऑनर्स के विद्यार्थी को 26 पेपर और जनरल के विद्यार्थी को 24 पेपर कुल पढ़ने पड़ते हैं। आइए हम समझते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको ऑनर्स के विद्यार्थी को कौन कौन सा पेपर पढ़ना और कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। ये रहा आपके सामने सेमेस्टर वाइज कोर्स। आप अपने किस सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ेंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए ये आप सीयू का ही बनाया गया पेपर है, इसमें देखिए। इसको देखने के पहले आइए हम लोग अपने खिदरपुर कॉलेज के एक ऑनर्स के विद्यार्थी का फॉर्म देखते हैं। पहले फॉर्म देख लें ताकि आप अपने फॉर्म से मिलाकर उस को समझ सकें। ये फॉर्म होता है कॉलेज का, फॉर्म फिलअप करने के बाद हर विद्यार्थी को ये फॉर्म जनरेट होता है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको रख लेनी चाहिए और हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करा ली जाती है। इस फॉर्म में आपके पूरे इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपने किस विषय में एडमिशन लिया है बीए प्रोग्राम में। ये जनरल के एक स्टूडेंट का फॉर्म है, इसी तरह ऑनर्स के स्टूडेंट का भी फॉर्म होता है। ये देखिए ऑनर्स के स्टूडेंट का ये फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग ऑनर्स के विद्यार्थी का समझते हैं। नीचे उसके नाम और नंबर इत्यादि का
विवरण रहता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये जो जगह है यहां ध्यान दीजिए, ये समझने की जरूरत है। आपने जो विषय चुना है कोर्सेज अप्लाइड फॉर, वो यहां पर आता है। इस बच्चे ने ऑनर्स लिया है, ऑनर्स में इसने हिंदी ऑनर्स लिया है, जिसका जिसके लिए नंबर जो है वो है CC1 यानी कोर कोर्स 1। तो ऑनर्स के विद्यार्थी का CC कोर्स होगा जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लिया है। उसके बाद जो विषय है वो 2 GE पेपर पढ़ना पड़ता है, ऑनर्स के विद्यार्थियों को चुनना होता है। पहला GE1 उसका है यानी जेनरिक इलेक्टिव है पॉलिटिकल साइंस, और जेनरिक इलेक्टिव दूसरा पेपर है ज्योग्राफी। इसके अलावा AECC के 2 पेपर उसे पढ़ने पड़ते हैं। पहले में उसे लैंग्वेज चुनना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश बांग्ला या उर्दू। इसमें से आप कोई एक चुन सकते हैं। यहां इस विद्यार्थी ने हिंदी चुना है, इसका AECC 1 हिंदी है और AECC 2 एनवायरमेंटल स्टडीज है। एनवायरमेंटल स्टडीज कॉमन होता है सबके लिए। AECC 1 में विषय अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती है। AECC 1 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और ENVS आपको सेकेंड सेमेस्टर में, ये दिमाग में रखिए। अब आइए इसको देखने के बाद हम उस फॉर्म उस सेमेस्टर से सिस्टम की ओर चलते हैं कि इस स्टूडेंट को किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। आइए सेम 1 में इसको कोर कोर्स जो कि हिंदी है उसका CC1 पेपर और CC2 पेपर पढ़ना है। इसके अलावा उसको जेनरिक इलेक्टिव GE का भी 1 पेपर पढ़ना है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसके GE के 2 पेपर हैं, एक पॉलिटिकल साइंस है और एक ज्योग्राफी है। तो ये कंफ्यूजन होता था कि मेरा पॉलिटिकल साइंस मुझे पढ़ना है या ज्योग्राफी। आप समझ लीजिए कि आपको हमारे कॉलेज में ये निर्देशित है कि GE1 ही आपको फर्स्ट और सेकेंड सेम में पढ़ना है, थर्ड और फोर्थ सेम में आपको GE2 यानी ज्योग्राफी पढ़ना होगा। तो ये विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत 2 कोर कोर्स के पेपर यानी हिंदी के 2 पेपर और 1 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट GE1 पेपर पढ़ेगा। इसके अलावा उसे AECC यानी HNDM जो कि पीछे हम लोगों ने देखा, यहां ये HNDM AECC 1 पढ़ना होगा। इससे स्पष्ट हो गया कि पहले सेमेस्टर में आपको कोर कोर्स के 2 पेपर, जेनरिक इलेक्टिव का जो पहला है नंबर 1 का 1 पेपर GE1 और AECC का पेपर पढ़ना पड़ेगा। कुल 400 नंबर के पेपर आपको पढ़ने, 4 × 100 यानी 400, और इनका क्रेडिट स्कोर 20 है। क्रेडिट स्कोर मैं बता देती हूँ कैसे डिसाइड होता है। हर पेपर का, फुल पेपर का 100 क्रेडिट स्कोर हो, 6 क्रेडिट का, 100 नंबर का 6 क्रेडिट स्कोर होता है। CC1 CC2 का 6, 12, GE1 पॉलिटिकल साइंस का 6, 18, लेकिन AECC और SEC का 2 क्रेडिट होता है, यानी 2 ही क्लास उनकी होती है। तो AECC 1 का 2, तो 18+2 20 क्रेडिट की क्लासेस हुई। इसी क्रेडिट से आपको नंबर मिलते हैं। अब आइए सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों लगभग एक ही फॉर्मेट पे चलते हैं। सीसी 2 तक आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा, अब सीसी 3 एंड सीसी 4 हिंदी का ही यह विद्यार्थी पढ़ेगा सेमेस्टर 2 में, यानी अपने फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में। GE2 यानी पॉलिटिकल साइंस का GE1 पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस का ही GE2 फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में भी उसे पढ़ना है, यानी इन दोनों में वो पहला GE पढ़ेगा और इसके बाद जो है वो ज्योग्राफी पढ़ेगा। तो CC3 हिंदी, CC4 हिंदी, GE2 पॉलिटिकल साइंस और AECC2 जैसा कि पहले आपने देखा था AECC2 ये है ENVS, वो ENVS पढ़ेगा। ENVS सबका कॉमन है इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको समझ में आ गया सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 का भी वही है, 4 पेपर, 100 नंबर के 400, 6-6-6 क्रेडिट है इन 3 पेपर का और 2 क्रेडिट है इसलिए 20 क्रेडिट। आइए सेमेस्टर 3 में ऑनर्स के चलते हैं। सेमेस्टर 3 में आपके ऑनर्स के पेपर बढ़ जाते हैं, यानी आपको 3 पेपर ऑनर्स के पढ़ने पड़ेंगे, 3-3 पेपर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में, CC5, 6, 7 और CC8, 9, 10। इसके अलावा जो दूसरा GE2 आपका था यानी जेनरिक इलेक्टिव का जो ज्योग्राफी था उसको आपको सेम 3 और सेम 4 में पढ़ना है, उनका GE3 पेपर और GE4 पेपर। तो यहां पर आपका वो वहां ज्योग्राफी के 2 पेपर आपको यहां पढ़ने हैं। उसके अलावा आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है ये 2 पेपर आपको एक थर्ड सेम में एक फोर्थ सेम में पढ़ना है, SEC A1 और SEC B2। इसके अंतर्गत आपके सिलेक्शन या कई 2 पेपर होते हैं, उसमें से आपको एक चुनना होता है जो कि कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होता है। किस इसमें
आपको हिंदी ही पढ़ना है, यानी जो आपका कोर कोर्स है उसी का एसईसी आपको पढ़ना है। जनरल के विद्यार्थियों को जनरल का पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऑनर्स के विद्यार्थियों को जनरल का एसईसी नहीं पढ़ना है, यानी न पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना है न ज्योग्राफी का पढ़ना है, बल्कि उनको अपने कोर कोर्स यानी हिंदी की एसईसी A1 यहाँ और एसईसी B2 यहाँ, इन दोनों पेपर में उनको दो दो ऑप्शन रहते हैं। दोनों में से कोई एक एक ऑप्शन जो कि कॉलेज में जो पेपर पढ़ाया जा रहा होगा वो आप चुन सकते हैं। इस तरह यहाँ आप देखिएगा 5 पेपर हैं, 3 कोर कोर्स के, एक जी के 400 और एक एसईसी का 500। ये 500 नंबर का पेपर है, लेकिन इसके क्रेडिट स्कोर 26 क्यों है ये समझ लीजिए, 6-6 करके 4 यानी 24 क्रेडिट्स आपके यहाँ हुए, 6-6 करके और यहाँ 2 तो 26 हो गए। ठीक वही सिस्टम से यहाँ भी 500 का पेपर होता है और 26 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। अब आते हैं हम ऑनर्स के फिफ्थ और सिक्स सेम में। फिफ्थ सेम में अब ऑनर्स के विद्यार्थी को कोई भी जनरल का पेपर नहीं पढ़ना है, अब उसको सिर्फ अपने कोर कोर्स यानी हिंदी का पेपर ही पढ़ना है। उसमें कोर कोर्स के दो पेपर हैं 11-12 और डीएससी के दो पेपर हैं, डीएससी A1 और डीएससी B1। डीएससी A1 B1 में दोनों में भी दो दो का ऑप्शन होता है, आप उसमें से जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वही आप फॉर्म भरते समय चुन लेते हैं। तो दो पेपर यहाँ दो पेपर यहाँ, 400 नंबर और सब दोनों सारे ही 6-6 यानी 6-6 पॉइंट्स के हैं तो 24 क्रेडिट पॉइंट्स। सेम CC13 और CC14 यानी टू पेपर्स ऑफ CC और DSC A और B, A2 और B2 का एक एक पेपर चुनना होता है, तो 400 यहाँ 24 क्रेडिट्स। इस तरह से टोटल 140 क्रेडिट्स का ऑनर्स का ये सिस्टम हो गया। मुझे लगता है कि आप इसे ध्यान से देखिएगा और सुनेगा तो आप समझ पाएंगे कि एक विद्यार्थी को एडमिशन लेने के बाद अपने इस नंबर के हिसाब से उसे समझ के रखना है कि उसे क्या क्या पढ़ना है। एक बार मैं दोहरा दूं, फर्स्ट सेम में उसको कोर कोर्स के दो पेपर, जनरल का फर्स्ट G1 का एक पेपर और ACC1 लैंग्वेज पढ़ना है। सेम टू में भी सेम रहेगा, वही पेपर रहेगा और ACC2 इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। थर्ड और फोर्थ सेम में दूसरा GE पेपर पढ़ना है। ऑनर्स में तीन तीन पेपर बढ़ जाएंगे और हिंदी या ऑनर्स पेपर का ही SEC A1 B2 पढ़ना है। फिफ्थ और सिक्स सेम में ऑनर्स का ही सिर्फ रहेगा, जनरल का कोई पेपर नहीं रहेगा, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स लिया है वही रहेगा, उसके कुल 4-4 पेपर आपको पढ़ने हैं। इस तरह से ये ऑनर्स का हो। आइए हम आगे जनरल के कोर्स की ओर देखते हैं। हमारे कॉलेज का जनरल का फॉर्म देखिए, इस जनरल के फॉर्म को सामने रखकर मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि जनरल के विद्यार्थी को 3 सालों में किस तरह से समझना है कि उसको कौन कौन से पेपर पढ़ने। जनरल के विद्यार्थी को भी अपना ये फॉर्म सेव करके रखना चाहिए, इसकी सॉफ्ट कॉपी, यहीं से पता चलता है। ये देखिए आपके जनरल का जो विद्यार्थी है BA का प्रोग्राम उसने लिया है, उसको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं ऑनर्स की तरह, उसमें 2 कोर्स लेने पड़ते हैं और 1 जेनरिक इलेक्टिव लेना पड़ता है। इसके अलावा ACC1 और ACC2 तो है ही, जैसा कि ऑनर्स में बताया था मैंने, और जनरल के विद्यार्थियों को अलग से इंग्लिश और हिंदी या 2 लैंग्वेज पढ़नी होती है, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है और हिंदी की जगह बंगला, उर्दू या दूसरी जो भारतीय मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है पढ़ सकते हैं। ये अतिरिक्त है जो कि ऑनर्स के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन ये फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ना है। कब कौन सा पेपर पढ़ना है ये समझाती हूँ। आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है जिसने 2 सब्जेक्ट CC लिया है, इंग्लिश और फिलॉसफी, और तीसरा उसका GE पेपर है इकोनॉमिक्स, तो उसको किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना होगा वो हम समझते हैं। आइए जनरल का एक बार फॉर्मेट हम खोल रहे हैं। ये रहा आपके सामने जनरल का फॉर्मेट। जनरल के स्टूडेंट को सेम वन में CC1 उसका जो 2 पेपर है दोनों के, यानी दोनों पेपर के सीसी के CC1 पेपर पढ़ना पड़ेगा, यानी एक एक फर्स्ट पेपर पढ़ना पड़ेगा। कैसे देखिए मैं यहां बताती हूँ आपको। उसको इंग्लिश का 1 पेपर और फिलॉसफी का 1 पेपर पढ़ना पड़ेगा, साथ ही इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना पड़ेगा।
यानी जनरल के विद्यार्थी को फर्स्ट ईयर में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जबकि ऑनर्स के विद्यार्थी को सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। तो इंग्लिश का एक पेपर, फिलॉसफी का एक पेपर और इकोनॉमिक्स का एक पेपर। देखिए, टू थियरी प्लस टू प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल। तो यहां पर कोर कोर्स यानी सीसी का एक एक पेपर उसे पढ़ना होगा, दो हो गया, और जेनरिक इलेक्टिव जो उसने लिया था वो तीसरा हो गया। इसके अलावा एईसीसी जो कि ऑनर्स के विद्यार्थी को पढ़ना है, यहां पर हिंदी, बांग्ला, उर्दू उसने जो लिया है वो पेपर पढ़ना है। तो स्पष्ट हुआ, दो थ्योरी पेपर उसको यहां पढ़ना है। अगर इस स्टूडेंट की बात करें तो उसको एक पेपर इंग्लिश, एक पेपर फिलॉसफी कोर कोर्स के रूप में पढ़ना है, और एक पेपर जीई जो कि उसने इकोनॉमिक्स लिया है वो भी उसे पढ़ना है। इसके अलावा एसीसी पढ़ना है। इसलिए कुल उसको चार पेपर पढ़ने हैं। चारों पेपर में के 100-100 अंक है, तो 4 × 100 और टोटल क्रेडिट पॉइंट 20 है। ये मैंने ऑनर्स में भी समझा दिया था। दो पेपर का 6 × 6 = 12, एक पेपर का 6 = 18 और एसीसी का 2 क्रेडिट होता है, इसलिए 220। सेम टू में भी ठीक वैसे ही चलेगा। उसे अपने कोर कोर्स का यानी इंग्लिश और फिलॉसफी का 2 पेपर सीसी 2 जो जिसका नाम रहेगा, और जेनरिक इलेक्टिव का एक पेपर जी 2, यानी 2 पेपर, एक इंग्लिश की एक फिलॉसफी का, और साथ ही जी इकोनॉमिक्स जो उसका है उसका एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। सेम 1 सेम 2 में उसे लगभग एक ही जैसा पढ़ना है, दो दो पेपर कोर कोर्स के, एक एक पेपर जीई का, और एसीसी 2 जो कि ईएनवीएस है वो पढ़ना है। क्रेडिट स्कोर सिस्टम भी सेम टू सेम रहेगा। जो समस्या शुरू होती है और जहां विद्यार्थियों को असुविधा होती है वो सेमेस्टर 3 के बाद शुरू होती है अधिकांशतः। सेमेस्टर 3 में ऑनर्स के विद्यार्थियों को आप देखेंगे कि कई उतनी असुविधा नहीं होती जितनी जनरल की होती है, क्योंकि जनरल के विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त कोर्स करना पड़ता है एलसीसी। एलसीसी जो है वह लैंग्वेज का कोर्स है, और एलसीसी 1 और एलसीसी 2 ये दो उनको पढ़ना पड़ता है। एलसीसी 1 जो है वो इंग्लिश है, और एलसीसी 2 जो है हिंदी, उर्दू या बंगला है। तो आइए सेमेस्टर 3 में जनरल के स्टूडेंट को क्या पढ़ना है ये बताते हैं। उसे अपने दोनों कोर कोर्स, यानी दोनों कोर कोर्स का मतलब हुआ इंग्लिश और फिलॉसफी, इन दोनों को का एक एक पेपर पढ़ना है, और अब उन्हें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, यानी जीई सिर्फ एक साल ही पढ़ना था। इसलिए आमतौर पर जीई में वही पेपर लिया जाता है जिसमें जो आपके आपके लिए थोड़ा कठिन हो, जो आसान हो उसको सीसी में लेना चाहिए। ये याद रखें कि जीई में आप लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला नहीं ले सकते हैं। यहां देखिए सीसी 3 में आपको सीसी 3 पेपर पढ़ना है इंग्लिश और फिलोसफी का उस बच्चे को, और साथ ही उसको इंग्लिश एक एलसीसी 1 भी पढ़ना है। एलसीसी 1 ये भी 100 नंबर का रहेगा, और इसके अलावा एसीसी एक पेपर पढ़ना है। यहां भी बहुत समस्या होती है विद्यार्थियों को एसीसी के पेपर में। एलसीसी आप समझ लीजिए, एलसीसी 1 मतलब इंग्लिश और एलसीसी 2 मतलब अन्य भारतीय भाषा। तो थर्ड सेम में एक एलसीसी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फोर्थ सेम में अगर हिंदी है इसका तो हिंदी पढ़ना है। जैसे इस बच्चे का हिंदी है तो उसको आप देख लीजिए, इसका इंग्लिश एलसीसी 1 है और HINL यानी हिंदी लैंग्वेज है एलसीसी 2। तो आप समझ लीजिए कि उसको थर्ड सेम में इंग्लिश, फोर्थ सेम में हिंदी, फिफ्थ सेम में इंग्लिश और सिक्स सेम में हिंदी पढ़ना है। आइए ऐसे समझते हैं इसको कि थर्ड सेम में उसको दो पेपर यानी इंग्लिश और फिलॉसफी, उसके बाद एक इंग्लिश का पेपर पढ़ना है, और उसके अलावा एसीसी का एक पेपर पढ़ना है। अब ये एसीसी जो है वो बहुत कंफ्यूज करता है। एसीसी किसका पढ़ना है? फिलॉसफी का पढ़ना है, क्योंकि अब जी का कुछ भी उसको नहीं पढ़ना है। तो उसको, उसके पास दो कोर पेपर हैं, दो कोर कोर्स हैं, उसी के एसीसी उसको पढ़ने हैं। आमतौर पर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि एसीसी में थर्ड सेम में मैं क्या पढ़ूं, मैं
सीसी वन पढ़ूं या सीसी टू पढ़ूं। यानी इस विद्यार्थी को अगर देखेगा तो इसके मन में प्रश्न हो सकता है कि मैं एसईसी इंग्लिश का करूं या फिलोसफी का करूं। तो इसके लिए कॉलेज में जब थर्ड सेम में आप जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन सा पढ़ना है, यानी इस बच्चे को पहले इंग्लिश पढ़ना है या फिलोसफी पढ़नी है। फिर भी आमतौर पे जो पहले सब्जेक्ट होता है उसी की एसईसी आप 2 सेमेस्टर में लगातार पढ़ते हैं, और नेक्स्ट फिलोसफी की एसईसी आप नेक्स्ट 2 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। लेकिन हर बार ये आपको बता दिया जाएगा कि इस वर्ष इस सेमेस्टर में आपकी एसईसी किस विषय में आपको पढ़ना है। तो कुल आपके थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर इंग्लिश, एक पेपर फिलॉसफी, फिर एक एलसीसी इंग्लिश जो कि लैंग्वेज होता है जिसमें पढ़ाया जाता है, और एसईसी जो कि यहाँ पर इंग्लिश होना चाहिए वो आपको पढ़ना पढ़ना होगा, जो कि फर्स्ट सीसी वन का ही हिस्सा होगा। फोर्थ सेम में भी वही दोहराया जाएगा, बस ये एलसीसी टू की जगह में इंग्लिश की जगह हिंदी हो जाएगा। तो एक पेपर आपको इंग्लिश कोर कोर्स का, एक पेपर फिलॉसफी कोर कोर्स का, एक हिंदी पेपर, और एसईसी यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे थे तो यहाँ भी इंग्लिश ही पढ़ेंगे, एसईसी बी। इसमें ऑप्शन होता है, आप चुन सकते हैं। आप देखेंगे कुल 4 पेपर हैं, 400 नंबर के हैं, लेकिन इन तीन का क्रेडिट स्कोर 66 है, इसलिए 18, इसका 2 है इसलिए +2, 20, सेम फोर्थ सेमेस्टर में भी होगा। अब आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कोर कोर्स का पेपर नहीं रहता है, लेकिन ये दो कोर कोर्स के दूसरे डीएससी के पेपर आपके रहते हैं, डीएससी ए। तो एलसीसी वन क्या है, फिर से आपको इंग्लिश पढ़नी है, और डीएससी ए वन के 2 पेपर होंगे, यानी यहां भी आपको डीएससी नाम से डिसिप्लिन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट कोर्स के नाम से एक पेपर इंग्लिश का पढ़ना है और एक पेपर आपको फिलोसफी का, क्योंकि आपने इस विद्यार्थी ने इंग्लिश और फिलोसफी सीसी के तौर पे ली है। और एसईसी का पेपर आपको बता दिया जाएगा, यहां अगर आपने इंग्लिश में कर लिया है, 2 एसईसी के पेपर कर लिए हैं, तो यहाँ फिफ्थ और सिक्स सेम में आपको एसईसी का, एसईसी के लिए अब आपको फिलोसफी पढ़ना होगा। तो एक पेपर फिलोसफी, यहाँ डीएससी के 2 पेपर, एक इंग्लिश एक फिलोसफी, और इंग्लिश एलसीसी पढ़ना होगा। सेमेस्टर सिक्स में फिर से हिंदी आपको पढ़ना है, उसका कोर्स थोड़ा अलग है इनका, तो एक पेपर हिंदी हुआ, नेक्स्ट फिर वही डीएससी, एक इंग्लिश का एक फिलोसफी का, डीएससी बी नाम से, और एसईसी फिर फिलोसफी का। इस तरह से आपके 6 सेमेस्टर पूरे हो जाते हैं, और यहाँ 4 पेपर हैं, चारों में आप यहाँ भी 6 6 6 18 + 2 20, आप देखेंगे 6 और 6 सेमेस्टर मिला के आपके कुल, चूंकि 20 20 पॉइंट्स है इसलिए 120 पॉइंट्स का पूरा क्रेडिट स्कोर होता है जिस पर आपका रिजल्ट बनता है। एक बार मैं दोहरा दूं, सेम वन में आपको अपने दोनों कोर कोर्स का एक एक पेपर, जीई का एक पेपर पढ़ना है, और एईसीसी में जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो पढ़ना है। सेमेस्टर टू में आपको अपने दोनों कोर कोर्स का एक एक पेपर, जी का एक पेपर और इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ने हैं। सेम थ्री में आपको दोनों कोर कोर्स के एक एक पेपर, एलसीसी इंग्लिश, और अपने दोनों कोर कोर्स में से किसी एक का एसईसी पढ़ना है। फोर्थ सेम में फिर से दोनों कोर कोर्स के आपको 2 पेपर, एलसीसी टू में लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, और फिर एसईसी बी में जो एसईसी ए का पेपर पढ़ा है उसी का पढ़ना है, कोर कोर्स का। एलसीसी वन फिर इंग्लिश, अपने कोर कोर्स के दोनों पेपर इंग्लिश और फिलॉसफी के एक एक डीएससी वाला पेपर पढ़ना है, और एसईसी में जो 2 एसईसी का पेपर जिस सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लिया उसके अलावा दूसरे का पढ़ना है। सेम टू सेम आपका सेकेंड सेम में 6 सेमेस्टर में भी जाएगा, बस आपको 6 सेमेस्टर में यहाँ हिंदी पढ़ना है, और डीएससी वही इंग्लिश और फिलॉसफी, और यहाँ एसईसी भी फिलॉसफी होगा। मुझे लगता है कि मैंने इस तरह से आप लोगों को समझा दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है इन 2 ऑनर्स और जनरल दोनों कोर्स के अंतर्गत। अब इसके अलावा अगर कोई प्रश्न
आइए हम अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें, यानी आप जो जो पेपर पढ़ते हैं, विशेषकर ये हमारे कॉलेज के आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए ही है और उनके लिए है जिनका प्रैक्टिकल नहीं है बल्कि ट्यूटोरियल है जिनका। तो आप देखिए आपको कौन से पेपर में कितने नंबर का एग्जाम देना है और ये मार्किंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये सिस्टम पुराने सिस्टम से अलग है, जबकि वहां हम लोग पुराने सिस्टम में पूरे 100 नंबर के पेपर देते थे और 100 नंबर का ही पेपर सेमेस्टर एंड में एग्जाम में हमें लिखना पड़ता था। अब उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। देखिए हमारा पहला कोर्स है सीसी कोर्स। सीसी कोर्स में 10 नंबर 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 10 नंबर अटेंडेंस, 15 नंबर ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के लिए है, 10 नंबर इंटरनल जो कि कॉलेज का अपना एग्जाम है। तो ये 35 मार्क्स जो है, 35 नंबर जो है वो कॉलेज के द्वारा आपको दिए जाते हैं। 10 नंबर अटेंडेंस पर है, 15 नंबर ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल जिसमें प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या अलग अलग विभाग के लोग अलग अलग चीजें करते हैं, 10 नंबर इंटरनल का जो कॉलेज के अंदर एग्जाम होगा उसमें, और 65 नंबर यानी 65 मार्क्स सेमेस्टर एंड एग्जाम में, यानी आपको यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो उसमें 65 नंबर होगा। कुल टोटल आपके 100 नंबर होंगे। इन सब में आपको प्रत्येक में 30% मिनिमम लाना ही होता है। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर एंड एग्जाम में आपने पास कर लिया और इंटरनल में और अटेंडेंस से यहाँ फेल हो गए तो आप चलेगा, नहीं, आपको सब में 30% मिनिमम मिलना ही चाहिए। ठीक सीसी कोर्स या कोर कोर्स की तरह ही जी में भी वही नंबर है, अटेंडेंस का 10, 15 ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल, इंटरनल का 10 जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 65 नंबर के सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। डीएससी में भी वही सेम सिस्टम है, एलसीसी में भी वही सेम सिस्टम है, सिर्फ एससीसी और एईसीसी जिनके क्रेडिट पॉइंट 22 हैं, इनके क्रेडिट पॉइंट 666 पर पेपर 66 है, सिर्फ एससीसी और एईसीसी के क्रेडिट पॉइंट 2 हैं, उसको उसमें जो नंबर का डिवीजन वो इस तरह से है, उनको 10 नंबर अटेंडेंस में मिलेगा, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल उनको नहीं करना है, इंटरनल का एग्जाम होगा उसमें 10 और बाकी 80 नंबर उनको सेमेस्टर एंड एग्जाम में मिलेगा। एईसीसी का भी वही सिस्टम है, 10 अटेंडेंस, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल नहीं होता है, इंटरनल में 10 मार्क्स और सेमेस्टर एंड में 80 मार्क्स। एईसीसी के लिए आप समझ लीजिए कि एईसीसी का जो पेपर है, इस पेपर में आपको आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां मुझे लगता है इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। आप सबका इतने सब्र से सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।